बछड़ा की मोती। और एक बात के ध्यान रखिया, अरमान हमार भाई है और हमार भाई के घर तो हर वजह से बर्बाद हो रहा है। अगर नरकिस के कुछ भाई तो तू बच नहीं सकेगा। और ना ही हमार भविष्य उजला। हम तो बूझ गए नहीं भाईजान, लेकिन आपके का बुझाई। या अल्लाह, बड़ा अजीब मुसीबत हो। लागत बा कि कमरुद्दीन के साथी दिमाग ससुरा सठिया गइल। ठीक बा भाईजान, ठीक बा, हमहू अब देखो। अरे हम हई मामा, खुशबू के मामा, बेचारा मामा। और अब हम दिखाएं अपन असल कारनामा। हे माँ दुर्गा, आप तो सुख करनी दुख हरनी दया के सागर है। अब आपके सहारा के सिवा दूसर और कोई ना ही बा माँ। हमरे नरगिस बेटी के जान की रक्षा करी, ओकर हंसी फिर से वापस आ जाए माँ। अम्मा जी, बाबूजी आ गए। अरे आप आ गए नहीं, नरगिस होश में आ गए, कहाँ कात रहे। पहले से बहुत अच्छी बा, घबराए के कोनो जरूरत नहीं। हे माँ दुर्गा, आपका लाख लाख शुक्र है। अम्मा जी, हम कहत रहे ना कि नरगिस ठीक हो जाई हैं। का कहत रहे, बात भैल ना। माई, नरगिस अभी बेहोश है, आईसीयू में भर्ती। का ओकर होश आयल की ना। अरे परेशान हो कोनो जरूरत नहीं बा, डॉक्टर कहत रहलन कि नरगिस अब खतरा से बाहर बा, घंटा दो घंटा में होश में आ जाई। रिपोर्ट के मुताबिक सब ठीक बा। बाबूजी, हम नरगिस के देखे के चाहत हैं। रेखा बिटिया, ये हालत में तुहार चलब ठीक नहीं बा। बाबूजी, हमरा नरगिस से बहुत मिले के दिल करता, हम उके लेके चली। सचिन बेटा। जी बाबूजी। तोरा जब टाइम मिले तो रेखा के लेके हॉस्पिटल चल जाइए। ठीक बा बाबूजी। सरस्वती जल्दी से तैयार हो जा, हमने फिर हॉस्पिटल जाए के बा। तैयार होए की का जरूरत हो, अब चला जल्दी चला। अरे भाई हम नहा धो ले ना, अब यहीं तावत है, फिर चलब ना। ठीक बा। ऑपरेशन कामयाब भइल। हरमन बाबू बैठी। शुक्रिया। आपके बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जे इतना मुश्किल ऑपरेशन के अंजाम देके आप नरगिस के बचा लेले, हमरे खातिर ते आप खुदा के समान हैं। हरमन बाबू, खुदा तो खुदा होला, खुदा से बढ़ के कुछ हो ना होला। हम डॉक्टर हैं, सिर्फ अपन फर्ज अदा करेला और खुदा अपन रहमत बरसावेला, जैसे हर नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाला। आप ना जाने ला डॉक्टर कि नरगिस की जिंदगी बचा के आप हमरे ऊपर कितना बड़ा एहसान कर ले हैं। हमके भी बहुत खुशी भइल अरमान बाबू के ऑपरेशन कामयाब भइल।
लेकिन अफसोस के बाद बा अफसोस का बात है? मेडिकल रिपोर्ट से अब वही पता चलल हो कि नरगिस कोमा में चल गई, कोमा में चल गई। नहीं डॉक्टर, ऐसा ना हो सकेला। डॉक्टर कुछ करी, डॉक्टर कुछ करी। नरगिस के होश में ले आई। अरमान बाबू, डॉक्टर के बस में ना होला कि वो केहू के कोमा से बाहर ला सके। ये बीमारी ऐसा है कि खुद बखुद ठीक हो जाला। डॉक्टर साहब, नरगिस कबले होश में आई? ये बीमारी में मरीज के कोमा से बाहर निकले में एक दिन भी लग सकेला, एक साल भी और 20 साल भी। हमके बहुत अफसोस बा कि हम कुछ ना कर सकेला। अरमान बाबू, ये समय नरगिस के दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत बा। करीब है खुश नसीब है जिंदगी, अब मेरी हाथों में हाथ है, तेरा ही साथ है। ख्वाहिशें थी यही, दूर है अब मेरी निगाहों में, जिंदगी हो तेरी नसीब है जिंदगी, अब मेरी हाथों में हाथ है, तेरा ही साथ है। ख्वाहिशें थी यही, दूर है अब मेरी निगाहों में, जिंदगी हो तेरी पनाहों में, है यही आरज़ू। नसीब है जिंदगी, अब मेरी गलती ओकर नहीं है, गलती हमार है। छोड़ो करे दिल में, हम अपने लिए जगह ना बना पाऊंगी। ओकरे मन में अपने मोहब्बत के चराग ना रोशन कर दो। या अल्लाह, कुछ तरहम करी, हम पे ना सही लेकिन वो मासूम नरगिस पे तरस खाई। नरगिस का का कसूर बा परवरदिगार, जो नरगिस के हर कदम पर, हर मोड़ पे एक नई मुसीबत मिलत बा। रहम करी, रहम करी परवरदिगार।
खुश हो बिटिया। चला घर है चली। अल्लाह ताला की मेहरबानी से नरगिस सब खतरा के बाहर बा। तू घर चल के आराम करा, रात भर से ठीक से ना सो पाऊँ। चले। नहीं दादी, हम अभी ना जाएं। खुश बिटिया, नरगिस ठीक बा, फिकर करे की कोनो जरूरत नहीं बा बेटा। नहीं दादी, जब ले अम्मी उठ के हमसे बात ना कर ली है, हमने हमने सिर पे हाथ रख के ई ना कह दी है कि वो हमरा के माफ कर देनी, तब तक हम यहाँ से ना जाए दादी, हम यहाँ से ना जाए। आराम करी, जाई ना दादी, अबू के भी ले जाई। खापुन दादी के बाद ना मनबू। हाँ अरमान बेटा, तू ही समझा बना। अरमान बेटा, तू इतना परेशान काहे हवा? अब तो नरगिस भी ठीक हो गई बा, वे काहे उदास हवा? बता बेटा, कुछ ना कुछ बात जरूर है। अम्मी, हमके समझ में नहीं आवत कि अल्लाह के का मंजूर बा। बेटा, अब तो दुख के दिन भी दूर हो गए बा। नहीं अम्मी, आज भी दुख हमने लोगन के पीछा ना छोड़त बा। खुशी हमारे घर से कोसों दूर बा। देखो, बुरा खबर है। बुरा खबर? कैसे बुरा खबर बेटा, बोली बेटा। नरगिस को मारा बाबा, नरगिस को मारा बाबा। नरगिस जिंदा तो बा, लेकिन एक लाश बन के। बेगम, चल भाई लोकरा के भूल जा। हाँ बाजी, भाईजान ठीक कहा था, दूसरा की घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ने से कोनो फायदा नहीं की, इमे कुछ हासिल नहीं की बाजी। देखा शबना, तोहर बहन तोके समझावत बा, समझे की कोशिश करा। देखा हम केहू के नहीं बताए कि आज नरगिस के जवन हालत बा वो तोहरे वजह से बा। हाँ, शायद अपने आप के रोक न पौती, लेकिन नरगिस बच गई
हमने लिए ये खुशी की बात बा। हाँ बाजी, और ये मैं नरगिस की कहाँ गलती है? नरगिस तो आपके और हम आज जैसन क्यों के बेटी हो, और ये मैं नरगिस के अम्मी अब्बू की कहाँ गलती है? नरगिस के अम्मी अब्बू की तकलीफ देवे से हमारा अब्बू वापस ना आ जाए बाजी, हमारे अम्मी की तकलीफ ना कम हुई बाजी। यही से बाजी हम कहते हैं कि ये सोचा कि अम्मी की तबीयत कैसे ठीक हुई, अपन घर गृहस्थी के बारे में सोची, कोशिश करके देखी। तनिक नफरत के सैलाब से बाहर आके देखा, सब कुछ ठीक हो जाए। अरे अपन घर परिवार के खुशी के बारे में सोचा, दूसर के बर्बादी के नहीं, एकरा से तोके कुछ हासिल ना हुई। हाँ बाजी, भाईजान सही कहा था, अपने बारे में सोची, भाईजान के बारे में सोची, अपन घर की रस्ती के बारे में सोची। आपकी एक अच्छा परिवार बनी बाजी, कोशिश करके देखी बाजी, सब ठीक हो जाए। हाँ शबनम, सब ठीक हो जाए। नहीं, हमारी अम्मी की कुछ ना हो सकीला, वो एकदम ठीक है। डॉक्टर अंकल, हमारी अम्मी की बचा ली। डॉक्टर अंकल, हमारी अम्मी की बचा ली, वो कोमा में चल गई है। डॉक्टर अंकल बताई ना, हमारी अम्मी की कब होश आई, बताई ना। बेटा तोहरे अम्मी के दवा तो होते बा, लेकिन कोमा से वो खुदे भा रही है, हमें हम कुछ ना कर सकेला। नहीं डॉक्टर अंकल, हम के अपन अम्मी से बात करें के बा, हम के उनसे मिल के माफी मांगे के बा, ये बहुत जरूरी है डॉक्टर अंकल, प्लीज कुछ करी ना। बेटा तू हमार बात समझे के कोशिश करो। नहीं, हम के बताई हमार अम्मी कोमा से कब बाहर आई, बोली ना डॉक्टर अंकल, बोली ना। बेटा तुम्हार अम्मी कोमा से कब बाहर आई है ये तो हम ठीक तरह से नहीं कह सकत। हमारी अम्मी की कुछ ना हो सकेला, कुछ ना हो सकेला।